गुड मॉर्निंग टू क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, जैसे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल मेथड है जो कि क्या कराता है, उपलब्ध सीमित साधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जबकि प्रयुक्त सभी चरों के मध्य रेखीय संबंध हो। मतलब कि सपोज करो कि प्रतिस्पर्धा चल रही है, जैसे कोई दो कंपनियां हैं, उन दो कंपनियों के अंदर हमको ये बताना है कि ज़्यादा प्रॉफिट कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है, हमें ये बताना है। जबकि हमें मालूम है कि दोनों की लीनियर यानी कि जो रेखिक संबंध है, जो दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, वो दोनों का हमें मालूम है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन प्रॉफिट में चल रहा है और कौन लॉस पे चल रहा है, और कौन कौन से पॉइंट पर ये प्रॉफिट पे जा रहा है और कौन से पॉइंट पर ये लॉस पे जा रहा है। यानी किसी भी बिजनेस के अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके से काम में आती है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है एक तरीके से। तो आइए हम डायरेक्ट पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए आपने एक बात, आपको एक चीज़ दिखा बता देता हूँ मैं। आपने 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन करे होंगे, जिसके अंदर हम क्या करते थे, इनइक्वलिटी पढ़ते थे, और इन इक्वलिटी के अंदर हम शेडेड रीजन करते थे कि उनको शेडेड करते थे। तो इसका जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली मेथड, कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक समस्याओं को हमें आलेखी विधि से सॉल्व करना है। तो देखो, इसका मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करना, जो जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, मिनिमाइज यानी कि न्यूनतम, मिनिमाइज मतलब निम्नतम या न्यूनतम, मिनिमाइज हमें दे रखा है वो, चलो बाद में लिखा, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट यानी कि व्यवरोध हमें कितना दे रखा है, x plus 2y less than equals to 8। एक तो ये दे रखा है, एक हमें दे रखा है 3x plus 2y less than equals to 12। एक हमको दे रखा है x greater than equals to 0, और एक दे रखा है y greater than equals to 0, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है प्रॉब्लम को ग्राफिकली। हमें मिनिमाइज दे रखा है, एक क्या दे रखा है, मिनिमाइज। चलो मिनिमाइज को मैं बाद में लिखूँगा। ये हमें तीन, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार हमें इन इक्वलिटी दे रखी है, यानी कि असमिका दे रखी है। क्या दे रखी है, असमिका। जब भी हमें असमिका दी हुई आती है और ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने को कहता है, तो तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि इस असमिका को हमें समीकरण में यानी कि इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट इनइक्वलिटी इन इक्वेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वलिटी को इक्वेशन में बदल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, असमिका को समीकरण में बदलने पर। तो हमने जैसे इसको असमिका में बदला, तो ये क्या हो गया, x plus 2y equals to 0। समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वल में, तो x plus 2y equals to 8। अब देखो, जब भी कोई लीनियर का मतलब मैंने क्या बताया, लीनियर का मतलब आप लोग जानते ही हो, छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए आए हैं, कि जो कि ग्राफ के अंदर एक सीधी लाइन रिप्रेजेंट करती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, यानी कि एक सीधी रेखा दर्शाती है, वो हमारा रैखिक समीकरण होता है। तो देखो, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम आराम से लाइन बना सकते हैं, कैसे, कि अगर मैंने x = 0 रखा तो y = मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैंने x = 0 रखा तो y = मेरे को मिलेगा 8/2 = 4। अगर मैंने y = 0 रखा तो मेरे को x = मिलेगा 8। तो इसका कॉलम क्या बना, x और ये y, कि मैंने x = 0 रखा तो y = 4 मिला, और अगर मैंने y = 0 रखा तो मुझे x = 8 मिला। ये मेरा क्या हो गया, बना लिया इसके अंदर। तो आइए मैं इसके अंदर एक ग्राफ बना लेता हूँ। इसको मैंने बोला 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक काम करते हैं,
जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। लिख लिया ग्राफ, x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू फोर, तो x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू, तो ये हो गया जीरो कोमा फोर। x इक्वल्स टू एट पर y इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू एट पर y इक्वल्स टू जीरो। ये प्लॉटिंग कर ली पॉइंट्स की, कोऑर्डिनेट्स की, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपको स्केल से ज्वाइन करनी है दोनों को। इसको हमने लिख दिया, ये है जीरो, सॉरी एट कोमा जीरो, ये था जीरो कोमा फोर, ये था एट कोमा जीरो। और ये किस लाइन से मिलकर बना है, मैं इधर वो इक्वेशन लिख लो, कौन सी इक्वेशन से मिला है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट से। ठीक है, अब देखो बात आती है कि इस लाइन को हम कर लेंगे, ये तो हम टेंथ में पढ़ते, ट्वेल्थ में हमें क्या करना है। अब इसके अंदर बात आती है शेडेड रीजन की, कि या तो इस लाइन के इस साइड शेडेड करना है कि इस साइड करना है। इस लाइन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो इसके ऊपर वाले पार्ट्स में और एक इसके नीचे वाले पार्ट्स में। तो शेडेड रीजन इस साइड करूँ कि इस साइड करूँ पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, इस वाली इनइक्वलिटी से है ना, पुट जीरो कोमा जीरो इन इनइक्वलिटी x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एट। क्या बोला मैंने, जीरो कोमा जीरो को तुम कोई भी पॉइंट रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो कोमा जीरो रखो, तुम कोई भी पॉइंट कर सकते हो, बस इस लाइन के अंदर नहीं होना चाहिए वो पॉइंट। तो तुम इस लाइन के अंदर पॉइंट को शो करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि इसका उधर क्या करें किसका करें। तो तुम ध्यान रखो कि तुम तो ओरिजिन पॉइंट पे लो, पुट इन जीरो कोमा जीरो इन इनइक्वलिटी एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो x की जगह भी जीरो रखो, y की जगह भी जीरो रखो, और ये एट। क्या जीरो छोटा है आठ से या बराबर है? तो जीरो छोटा है आठ से, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो जो शेडेड रीजन होता है, जो शेडेड रीजन होता है वो इस पॉइंट की तरफ आता है। जो शेडेड रीजन होगा वो इस पॉइंट की, इस पॉइंट की तरफ आएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो शेडेड रीजन इस पॉइंट से दूर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे ओरिजिन पॉइंट जीरो कोमा जीरो, ओरिजिन पॉइंट जीरो कोमा जीरो सेटिस्फाइड द जीरो कोमा जीरो डज सेटिस्फाइड Satisfied inequality को satisfied करता है। So shaded region from line to origin यानी कि ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु 0,0 इनइक्वलिटी को संतुष्ट करता है, इसलिए छायांकित क्षेत्र लाइन से ओरिजिन की तरफ होगा, यानी इस लाइन से इस ओरिजिन की तरफ होगा। तो मैं इस वाले शेडेड रीजन को, अगर आपके पास डिफरेंट कलर के पेन्स हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं शेडेड रीजन को इस तरीके से शो कर रहा हूँ कि भाई इस लाइन के, लाइन से ओरिजिन की तरफ इसी तरफ आएगा, तो मैं इसको इस तरफ शो कर रहा हूँ। जीरो इसको मतलब गोल गोल राउंड फिगर से इसको शो कर दिया मैंने। अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को पता लगेगा, इसको मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आती है इस सेम यही चीज इसके अंदर करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इनइक्वलिटी इन इक्वेशन, यानी कि 3x
प्लस टू वाई इक्वल्स टू 12। अब मैंने एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा तो वाई इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा, यानी 12/2 इज इक्वल्स टू 6। एक्स इक्वल्स टू जीरो का तो ये जीरो, टू मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 12 में 2 का डिवाइड करा 6। वाई इक्वल्स टू जीरो रखा तो एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 4, 12/3 इक्वल्स टू 4। यानी इसका कॉलम क्या बना कि x और ये y, यानी x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू जीरो पर x इक्वल्स टू 4। आगे अब बात करेंगे इस वाली चीज की कि हम क्या करेंगे, पुट 0,0 इन इक्वलिटी। हम क्या करेंगे, अब पहले लाइन बना लेते हैं, x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू 6, यानी x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू 6, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,6। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 4 पर y इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ये आ गया 4,0। इसको ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया। अब देखो इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इस साइड में और एक इस साइड में। अब इसका शेडेड रीजन इस लाइन किस साइड आएगा, किस लाइन किस साइड आएगा, इसको पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट 0,0 इन इक्वलिटी, यानी कि 0,0 को असमी का 3x + 2y <2y> में रखने पर। तो देखो इधर 0 + 0 <2y> यानी 0 <2y> जो कि क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। अब भाई जब ये ट्रू है तो मैंने क्या कहा था कि लाइन इस ओरिजिन पॉइंट के तरफ आएगा, यानी कि लाइन से इस तरफ आएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन पॉइंट 0,0 does satisfied the inequality को satisfied करता है। So shaded region from line to origin, लाइन से ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, तो अब लाइन कहाँ, और अब देखो इसके अंदर इसको रॉन्ग से कर दिया था, इसको मैं इस लाइन से कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया, यानी कि ये वाला रीजन इसके अंदर नहीं आया, ये आ गया। तो इस तरफ आएगा ये शेडेड रीजन इसका। ठीक है, ये इस तरफ आएगा इसका शेडेड रीजन, लिख लिया। तो अब उसके बाद ये दोनों रह गए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि x इक्वल्स टू जीरो पर y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो x इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है कि y पर कोई ना कोई वैल्यू है। तो x इक्वल्स टू जीरो पर ये वाली वैल्यू होती है, कौन सी वाली, ये वाली, ये लाइन। x इक्वल्स टू जीरो पर y वाला एक्सिस होता है और y इक्वल्स टू जीरो पर x वाला एक्सिस होता है, ध्यान रखना। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, सटी ट्रू, ये अब इसमें देखते हैं जीरो रखते हैं, क्या जीरो बढ़ा है, जीरो से जीरो बराबर या बढ़ाया गया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो x इक्वल्स, अब इसमें कह रहा है ग्रेटर देन, तो इसके लिए कौन सा होगा, ग्रेटर देन यानी प्लस का वैल्यू होगी, यानी कि शेडेड रीजन किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो हमने इसको इस तरफ, अब देखो इस वाले को मैंने क्या कर लिया, इस वाली लाइन से शो कर लिया। ठीक है, आपको ये क्यों अलग अलग शो कर रहा हूँ, अगर आपके पास डिफरेंट कलर के पेन है तो बहुत अच्छी बात है। ये लाइन इस साइड क्यों आई आप लोगों को मालूम चला, ये लाइन इस साइड इसलिए आई क्योंकि इसने बोला कि x ग्रेटर देन जीरो, कि x जीरो से बड़ा है। तो x जीरो से बड़ा कब होगा, इस साइड तो होगा, इधर तो जीरो से छोटा है क्योंकि माइनस की है। तो x ग्रेटर देन जीरो पे इसलिए शेडेड रीजन इधर आया। अब ये कौन सी लाइन है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए है। अब आता है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अब y पर जीरो यानी x वाला एक्सिस, y पर एक्सिस इसका मतलब ये वाला एक्सिस, ये वाला, जब ये पूरा एक्सिस जो है, अब इसमें देखो जीरो यानी कि y ग्रेटर देन जीरो, अब y ग्रेटर देन जीरो से कब है, जब ऊपर जा रहा है। तो देखो एक को ऐसे शो करा, एक को ऐसे कर दिया, अब इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्रॉस से शो कर लेता हूँ, तो ये आएगा इस ऊपर की साइड, क्योंकि ग्रेटर देन तो यही आता है। तो मैंने इसको इस तरीके से शो कर लिया, इस तरीके से मैंने इसको शो कर लिया। अब इसके अंदर आपको केवल पता है क्या देख रहा है, मैंने अलग अलग से क्यों शो करा, बस आपको ये देखना है
कि एक इसमें एक ऐसा पार्ट है जो कि इन चारों के अंदर कॉमन है, तो मैं देखूंगा कि अपन को ये देखना है केवल कि चारों के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसा है जो चारों में नहीं आ रहा, कि नहीं दो में आ रहा है। एक ये वाला पार्ट ऐसा है जो किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा। ये वाला पार्ट ऐसा है जो किसी में आया और किसी में नहीं आया। उसके बाद ये पार्ट केवल इसी में ही आया, ठीक है। ये वाला पार्ट फर्स्ट वाले में आया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको केवल वो देखना है कि आ कौन किसके अंदर रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार ही वापस तरीके से बना के दिखा देता हूँ। अगर आपके पास डिफरेंट कलर के पेन्स हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं वापस बना के दिखा रहा हूँ इसको सफाई से। ये शेडेड रीजन आपको समझाना था इसलिए मैंने पूरा बताया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिया, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब देखो और ये लास्ट सिक्स। अब बनाओ एक्स पर जीरो वाई पर चार, एक्स पर जीरो वाई पर चार, ये रहा। तो इसको डाल दो 0.4, एक्स पर एट वाई पर जीरो, एक्स पर एट और ये वाई पर जीरो, तो ये हो गया 8.0। लाइन खींच दो, एक खींच दी। अब इसको नाम दे दो, किस वाली किस्सा ही है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट, ठीक है। अब इसका शेडेड रीजन कितना आया था, लाइन से ओरिजिन की तरफ, यानी कि इस तरफ आया था, यहाँ से यहाँ तक आया था, बस मैं इतना ही शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती इस वाले की, एक्स पर जीरो वाई पर छः, तो ये आ गया 0.6, और एक्स पर चार वाई पर जीरो, ये आ गया ये, यानी 4.0, ठीक है। और इसके ये किस लाइन से आया है हमारे पास, 3x + 2y = 12, और इसका शेडेड रीजन भी इसकी तरफ आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर। देखो तो इस लाइन का भी इस तरफ आ रहा है और इस लाइन का भी इस तरफ आ रहा है, यानी इधर। तो देखो ये दोनों में आ रहा है, मौजूद है। फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू जीरो का मैंने बता ही दिया, इधर, यानी कि वो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ठीक है। और इसका इस तरफ और ये इस तरफ, यानी कि ये पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो चारों के अंदर आ रहा है। कौन सा, ये वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो चारों के अंदर आ रहा है, यानी हमको शेडेड रीजन मिल चुका है कॉमन, कि एक ऐसा पार्ट है कि जो चारों पर आ रहा है। अब हमको ये पता लगाना है मिनिमाइज, यानी कि सबसे कम किस पर हो रहा है, हमको ये देखना है कि सबसे कम किस पर हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे। तो मिनिमाइज के लिए एक हमें जेड दिया हुआ आता है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, एक तो है 0.0, एक है 4.0, एक है 0.4, और एक ये पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन कट कर रही है, ये पॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट को हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हम ग्राफ में बना बना रहे हैं तो हमें फिर भी पता लग जाए, लेकिन फिर भी हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट मालूम नहीं चलेगा। ग्राफ में कोई पॉइंटों के अंदर आ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है तो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन एक्स और वाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसका मतलब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 12th क्लास के अंदर केवल इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि दोनों लाइनें किस किस से हैं, एक तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट, एक 3x + 2y = 12, ये दोनों से है। यानी कि नाउ अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एक और दो से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट कौन सी है, x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि कोई ना कोई एक कोफिशियंट सेम होना चाहिए किसी भी एक वेरिएबल का। मैंने देखा दो और दो दोनों का सेम है, जो कोफिशियंट सेम नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करके सेम लेकर आते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि आनी चाहिए, ठीक है, विलोपन विधि आ गई। अब ये देखते हैं कि जिसका कोफिशियंट सेम है क्या उसके साइन अलग अलग है, नहीं है, तो साइन अलग अलग बनाओ। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो तीन में से एक गया तो माइनस का 2x = -12 में से 8 गया तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x = 2,
पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करो x प्लस टू इन टू सॉरी x इक्वल्स टू रखो, टू प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट, तो टू वाई इक्वल्स टू सिक्स यानी y इक्वल्स टू थ्री। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x पर तो टू और y पर थ्री, हमें चार पॉइंट मिल चुके हैं। आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें। अब इसका जो मेन z रह गया है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, z लेना है। जैसे इसको इतना रफ कर दिया मैंने, अब हमें जेड दे रखा है, हमें जेड क्या दे रखा है, मिनिमाइज दे रखा है कि सबसे कम। अगर भाई मैक्सिमाइज बोलता तो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ किसी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो तुम क्या चाहोगे कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो उतना फायदे में, कोई प्रॉफिट कम तो नहीं करना चाहेगा। तो ये कह रहा है कि अगर मैक्सिमाइज हो रहा है तो कौन से पॉइंट पर हम ले कि सबसे ज़्यादा हो, और अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या चाहेंगे कि सबसे कम लॉस हो, न्यूनतम सबसे कम हो। तो सबसे, अगर हम मिनिमाइज निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, अगर हम मैक्सिमाइज निकाल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू देखते हैं। तो देखो जेड हमें बोल रहा है मिनिमाइज करना है, यानी कि न्यूनतर निम्नीकरण करना है, माइनस का 3x प्लस का 4y, ये हमें दे रखा है। तो मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ लिखा जेड, ठीक है, यहाँ लिख लिया माइनस पॉइंट, चलो यहाँ लिख लेते हैं हम पॉइंट्स, यहाँ लिख लेते हैं हम z, यानी z कैसे निकल रहा है। तो पॉइंट हमारे पास कितने निकल कर आए, एक तो निकल कर आया 0.0। चलो हम एक चीज और लिख लेते हैं, इसको मैंने बोल दिया a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट एंड देन d पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, a ओ ओ है, ओ बी सी डी ओ, ओ बी रीजन यानी कि क्षेत्र, ओ बी सी डी ओ इज ए इज फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन, इज फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ given inequalities, given inequalities। हमने क्या लिखा कि क्षेत्र ओ बी सी डी ओ एक हल क्षेत्र है दी हुई असमिकाओं का, ठीक है। अब ये लिख लिया हमने ओ बी सी डी ओ, तो देखो पॉइंट्स में हम इधर तो लिख लेते हैं हम नेम, यहाँ तो लिख लेते हैं हम पॉइंट्स, फिर लिख लेते हैं x कोऑर्डिनेट और फिर लिख लेते हैं y कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तो लिख लिया पॉइंट्स, x कोऑर्डिनेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलो इसको रफ ही कर लेता हूँ, शॉर्ट में क्यों लिखना है जब हमारे पास आ गया है। तो चलो इसको रफ कर दिया मैंने, है ना, आप स्क्रीन शॉट लेकर नोट डाउन कर लें, मैंने छोटा छोटा लिखा है, आई होप आपको वीडियो में तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ी क्वेश्चन बढ़े हैं इसलिए मेरे को छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। देखो जेड हमें क्या दे रखा है, माइनस का 3x प्लस का 4y, माइनस का 3x प्लस का 4y। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई कि यहाँ पे मैंने लिखा पॉइंट्स, मैंने यहाँ लिखा x कोऑर्डिनेट, यहाँ लिखा y कोऑर्डिनेट और यहाँ लिखा मैंने z। तो साहब भाई पॉइंट्स कौन से, o, x का, o का x का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y का भी कितना है 0, यानी x का भी 0 और y का भी 0, तो इसका भी कितना आएगा 0, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है, b, तो b का x का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y का कितना है 0, तो 4 और ये 0, तो इसको 4 रखो, माइनस का 3 इंटू 4 प्लस का 4 इंटू 0 इक्वल्स टू सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 12, कितना आएगा माइनस का 12। अब तीसरा है c, तो c पर क्या है, 2 x का तो 2, y का 3, तो माइनस का 3 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 थ्री जा 12, 3 टू जा 6, 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6। फिर एक d पे क्या है 0 और 4, तो माइनस का 3 0 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो हम चाहेंगे, हमें ये बोल रहा है मिनिमाइज, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ये, तो हम क्या लिखेंगे, b पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें उसको लॉस यानी मिनिमाइज सबसे कम होगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे अब, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट टेबल
इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव टेबल। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे? ये स्पष्ट होता है कि ऊपर वाली दी गई सारणी से ये स्पष्ट होता है कि ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट, कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य फलन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टेबल, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टेबल, ये क्लियर होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मिनिमम, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैव मिनिमम या हैज मिनिमम वैल्यू, हैज मिनिमम वैल्यू हैज मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट। मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है? एट पॉइंट, किस पे मिली इसको मिनिमम वैल्यू? फॉर बी पर, मिनिमम वैल्यू पॉइंट बी यानी कि 4,0, 4,0। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एट, तो क्या कहेंगे हम? सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग देन, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन प्रोग्रामिंग इज एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 0 इज माइनस 12। हमने क्या लिखा कि ये ऊपर वाली सारणी से स्पष्ट होता है कि उद्देश्य फलन की निम्नतम मान 0.4,0 पर है, इसलिए मिनिमम वैल्यू जो दिए गए रैखिक प्रोग्रामन की है वो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 0 पर -12 है, ठीक है। आप लोगों का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसमें हमने क्या करा है। चलो आइए हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसका 15.1 के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सेम है, कोई अलग नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आइए मैं इसका एक क्वेश्चन और आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आइए, अब इसका एक क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से तो देख लेते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कौन सा देखें आप लोग जो बोलोगे वो देख लेंगे हम तो, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7th ही कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमें? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम भी निकालनी है और मिनिमम भी निकालनी, सेम है, बस हमको ही पता लगा लेना है कि किससे मिनिमम निकल रहा है और किससे मैक्सिमम निकल रहा है, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जेड दे रखा 5x + 10। तो हमें ये तो जेड से मतलब नहीं है अभी, हमें तो पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट यानी वेवरोथ से मतलब है, x + 2y < 120, x + 2y < 120। क्वेश्चन नंबर 7, x + 2y < 120, ठीक है। उसके बाद हमने दे रखा है एक x + y > 60, और इसके अंदर एक और दे रखा है x - 2y > 0,
एक्स माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और फिर वो दो है ही, तो हम इधर ग्राफ बना लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनइक्वलिटी इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में चेंज करने के लिए इक्वल लगेगा, यानी कि x प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इसके अंदर हमने x इक्वल्स टू जीरो रखा तो y इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 मिलेगा, और अगर y इक्वल्स टू जीरो रखा तो x इक्वल्स टू 120 मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने एक कॉलम हमने क्या बनाया, x और ये y, x और y, यानी अगर x इक्वल्स टू जीरो रखा तो 60 और y इक्वल्स टू जीरो रखा तो x इक्वल्स टू 120। अब हम इसके अंदर ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। चलो आइए ग्राफ भी चलो हम बाद में बना लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं शेडेड रीजन। अब इसके बाद इन इक्वलिटी से शेडेड रीजन का पता लगाना है, तो हम क्या कह रहे थे, ओरिजिन पॉइंट, पुट ओरिजिन पॉइंट 0, 0, पुट ओरिजिन पॉइंट 0, 0 इन इनइक्वलिटी, इन इनइक्वलिटी यानी कि असमिका में मूल बिंदु 0, 0 रखने पर, रखो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, क्या 0 छोटा है क्या 120 से, बिल्कुल सही है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। अब भाई जब ट्रू स्टेटमेंट है तो तुम क्या लिखोगे कि ओरिजिन पॉइंट 0, 0 डज सेटिस्फाइड द इनइक्वलिटी, सो शेडेड रीजन इज फ्रॉम लाइन टू ओरिजिन, कि जो शेडेड रीजन होगा वो कहाँ से आएगा, लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा, कब आएगा, जब उसने मतलब एस जीरो मूल बिंदु 0, 0 ने हमारी असमिका को संतुष्ट कर दिया, जब ये ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो शेडेड रीजन क्या आएगा, आप उस लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा, वो लिख लेना जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखाया, ठीक है। इतना करने के बाद अब इस लाइन में आते हैं, हमने क्या करा, वही सेम लाइन इधर ये लिखेंगे कि इक्वेशन में कन्वर्ट करा, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 60, तो हमने क्या करा, अब इसको बनाने के लिए क्या लिख लिया कि जब x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 60, और जब y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 60, तो ये हमने लाइन एक ग्राफ का बॉक्स बनाया, यानी x और ये y, यानी x पर 0 तो y 60, y पर 0 तो x 60, ये लिख लिया। अब हम सेटिस्फाइड वाली बात करते हैं, तो हमने लिखा पुट ओरिजिन पॉइंट 0, 0 इन इनइक्वलिटी में पुट करो साहब, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कि 0 < 0 अभी क्या, फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब इधर तुम्हें क्या लिखना है कि ओरिजिन पॉइंट 0, 0 ओरिजिन पॉइंट 0, 0 डज नॉट सेटिस्फाइड, हिंदी मीडियम वाले के लिए लिखेंगे कि मूल बिंदु 0, 0 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाइड इनइक्वलिटी, कि असमिका को संतुष्ट नहीं करता है, सो शेडेड रीजन, इसलिए छायांकित भाग, शेडेड रीजन अपोजिट फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। तो हमने क्या कहा कि जब, इसलिए शेडेड रीजन मूल बिंदु से लाइन के विपरीत ओर होगा, मूल बिंदु से लाइन के विपरीत ओर होगा, यानी हमारा जो लाइन आएगी उसके उस साइड होगा, इस साइड नहीं आएगा, उस साइड जाएगा, ये बना लिया। अब बात करते हैं इसकी, वही सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन में चेंज करा, फिर इसके अंदर हमने क्या करा, x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 0 मिला, y इक्वल्स टू 0 रखा, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, ये आ गया। तो हमें कुल मिला के बात कितनी मिली कि x भी 0 y पे भी 0, x पे 0 y पे 0, हमें ये लाइन मिल गई। अब बात आती है कि वो लाइन जाएगी कैसे, अगर हम कोई और पॉइंट लिखते तो लाइन जाती कैसे, चलो हम कोई और पॉइंट रख के, अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट से लाइन जो है ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, तो इस वाली कंडीशन में हम
पता कैसे करेंगे कि अब देखो तुमने लाइन इसके अंदर इस तरीके से खींच दी, हमारा ग्राफ है और ये इस तरीके से खींच दी, तब आप पता कैसे करोगे कि शेडेड रीजन इस तरफ आ रहा है या फिर शेडेड रीजन इस तरफ आ रहा है? भाई वो तो ओरिजिन से जा रही, तो ओरिजिन पे जा रही, तो किस तरीके से हम शेडेड रीजन का पता करेंगे? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक्स को लिखते हैं इधर और वाई को लिखते हैं इधर, और जो इनइक्वलिटी क्या है ये वाली, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा है। तो अगर तुम इसको इस तरीके से लिख रहे हो तो एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा कब आएगी? जब वो प्लस की होगी, यानी इस वाली कंडीशन के अंदर। तो शेडेड रीजन का आएगा इस तरफ आएगा, समझ में आई इस बात को आपको? या आप ऐसे पता ना लगाएं, तो आप ऐसे पता लगा लें कि हमेशा दुगनी आ रही है इसके, समझ में आ रही बात? चलो, तो इसके अंदर शेडेड रीजन का कैसे पता लगेंगे? आप लोगों को मालूम चल गया कि वो ग्रेटर दे आ रहा है कि लेस देन जा रहा है, ठीक है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर कब आएगी? जब वो इस साइड होगा, क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से करके लिख देंगे। और अब इसके अंदर हम शेडेड रीजन के लिए क्या लिखेंगे, देखो, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए शेडेड रीजन के लिए कि जो हम ये लाइन से हमें क्या कर रहे हैं, ऑप्टेन ए लाइन क्लियर इज 0.0 सेटिस्फाइज द गिवन इन इक्वेशन, सो द रीजन कंटेनिंग द ओरिजिन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। तो इसके अंदर केवल क्या करना है कि ये सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं, हमें क्या मालूम, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है भाई। या तो जीरो, अब देखो मैंने इधर जीरो रखा, तो जीरो माइनस जीरो, क्या जीरो बराबर है जीरो का? बिल्कुल डजंट सेटिस्फाइड, तो वो लाइन से ओरिजिन की तरफ होगा, लेकिन लाइन ही ओरिजिन से निकल रही है, बात तो ही आ रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इन ग्राफ, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हमारा ग्राफ के अंदर आएगा। अब एक हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, फिर एक वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दे रखा हो तो ये वाली लाइन होती है, और जब वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे रखा हो तो ये वाली लाइन होती है। अब इसमें आपको ये पता करना है कि शेडेड रीजन किस तरफ आएगा, छायांकित भाग किस तरफ आएगा, एक्स क्या बोलते हैं, एक्स बड़ा है जीरो से, तो एक्स बड़ा कब होता है जीरो से? जब वैल्यू इस तरफ होती है, प्लस की होगी। और y बड़ा कब होगा जीरो से? जब वैल्यू इस तरफ होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को पता करना। तो आइए हम लाइन खींच लेते हैं। पहले तो देखो 0, 160, 120 ऐसे, तो मैं ऐसा करता हूँ 30-30 का उसमें लिख लेता हूँ, 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120। अब आप लोग क्या करोगे, स्केल लिख लो कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 यूनिट। यानी कि एक्स अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर 30 इकाई, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 30 इकाई। ये लिख लिया, तो देखो लाइन खींचो, एक्स पर 0, वाई पर 60, तो ये आ गया एक्स पर 0, वाई पर 60, और दूसरा है एक्स पर 120 और वाई पर 0। ये पॉइंट लिख लो, 120, 0, 0, 60। अब इसका शेडेड रीजन कहाँ है? ट्रू स्टेटमेंट है, यानी नीचे की ओर आएगा, यहाँ यहाँ और इस तरफ आएगा, ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है, एक्स पर 0, वाई पर 60, एक्स पर 0, वाई पर 60, यानी कि वापस यही पॉइंट, और ये क्या कह रहा है, एक्स पर 60 और वाई पर 0, तो ये वाला पॉइंट, तो ये आ गया 60, 0। तो इसको मिला लो इस तरीके से। अब ये वाली लाइन तो किससे मिलकर बनी थी हमारी, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 120, और ये वाली लाइन मिलकर बनी हमारे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है? अब इसका शेडेड रीजन कहाँ आएगा, डज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इस तरफ है ना, और इस तरफ, ओके। आइए अब देखते हैं हम तीसरा कि लाइन जा रही है 0.0 से, सपोज करो मैंने लाइन खींच ली इस तरीके से, ये किससे आई है, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो इसमें शेडेड रीजन का आएगा एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, तो उसका शेडेड रीजन किस तरफ आएगा, इस तरफ, यानी कि इस तरफ एक्स की वैल्यू तो बड़ी नहीं होगी, यहाँ तो माइनस की आ जाएगी, तो इस तरफ और इस तरफ, ठीक है? आइए और आगे देखते हैं,
एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि एक्स बड़ा है जीरो से, यानी अब इस वाली लाइन पर आना है। तो एक्स बड़ा कब होगा? जब इधर चलेगा, ठीक है। तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, फिर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यानी कि इधर। तो y ग्रेटर देन कब आएगा? जब ये ऊपर की ओर चलेगा। तो इसमें ही देखो कि ऐसे कौन सी जगह है जो चारों में आ रही है। तो देखो चारों में आने वाली जो चीज है, जो जगह है, वो कौन सी आई हम पता करते हैं। वो जगह है ये वाली, देखो। अब मैं इसको केवल ये चारों के अंदर, ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो चारों के अंदर आ रही। जब आप इसको डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिजाइन में बनाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यही एक ऐसा एरिया है जो चारों के अंदर कॉमन आ रहा। ये हमने कर लिया। अब देखो मुझे दो पॉइंट तो मालूम है, मेरे को ये दो पॉइंट मालूम है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किससे मिलकर बन रहा है? तो देखो ये वाला पॉइंट तो इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से मिलकर बन रहा है। तो इन दोनों के अंदर हम क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड नाम दिया साहब, ठीक है। अब इक्वेशन हम किस किस से कर रहे हैं? एक तो इक्वेशन थर्ड आ ही रही है और एक इक्वेशन फर्स्ट आ रही है। समझा? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो एक्स फर्स्ट कौन सी है? एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 120, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखो इसके साइन अलग अलग है और कोफिशियंट भी सेम है, तो कट गया। तो 2x इक्वल्स टू 120, तो x इक्वल्स टू 60। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो साहब। तो 60 प्लस 2y इक्वल्स टू 120, यानी 2y इज इक्वल टू 120 माइनस 60, यानी y इज इक्वल टू 60 अपॉन 30, तो 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आए हमारे पास? इसके कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे 60 और 30, 60, 30। क्लियर है? आइए अब ये तो हो गया इस वाले के निकल कर आ गए 60, 30। अब दूसरे के निकाल कर लाने हमको इस वाले के, इस वाले के। तो इसके अंदर भी देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब रफ कर रहा हूँ इस वाले को। तो इस अब ये पॉइंट किस कौन कौन सी लाइन से मिलकर बना है? एक तो मुझे मिलकर बनाया है इस थर्ड से और एक मिलकर बना है सेकंड से। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। चलो अब लगाओ, सेकंड कौन सी है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और थर्ड कौन सी है? एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0। देखो इसका एक्स कोफिशियंट सेम है और साइन अलग अलग नहीं है, सेम है। तो अलग करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। तो ये कितना हो गया? 3y इक्वल्स टू 60, तो y इक्वल्स टू 20। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 60 यानी x इक्वल्स टू 40, यानी x इक्वल्स टू तो 40 और y इक्वल्स टू 20, यानी कि 40, 20। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूँ a, b, c और d। अब मैं कह रहा हूँ कि a, b, c, d रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज, यानी कि जो ए बी सी डी रीजन है वो दिए गए असमीकरणों का हल क्षेत्र है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं, इतने को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? रीजन ए बी सी डी इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज। गिवन इनइक्वलिटीज का क्या है? वो हल क्षेत्र है, तो इनइक्वलिटीज का है। तो अब हम निकालेंगे z। तो इधर हमने क्या करा? पॉइंट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये z। कितना दे रखा है z? अब z लिख लो भाई, क्या दे रखा है हमें? हमें z दे रखा है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। और इससे हमें पता लगाना है मैक्सिमाइज किस पर हो रहा है और मिनिमाइज किस पर हो रहा है। तो पॉइंट तो है हमारे पास 60, 0। तो a, एक तो पॉइंट a है, एक पॉइंट b है, एक पॉइंट c है और एक देन लास्ट पॉइंट d है। तो देखो a पॉइंट किसको दिया? x पर 60 है और y पर 0 है, तो 60 और 0। और b पर हमारे पास 120 और 0 है, तो 120, 0।
सी पर हमारे पास 60 और 30 है, 60 और 30, और इस पे 40 और 20, तो Z तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 तो क्या निकल कर आएगा 300। अब इधर करते हैं, 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0 यानी कि 600। अब इस पे करते हैं, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30 यानी कि 300 प्लस 300 इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब इस पे करते हैं, तो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 यानी कि 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे वैल्यू निकल कर आ गई, कौन कौन सी वैल्यू निकल कर आ गई, 600, 300, 600, फिर 600, फिर 400। तो हमें देखनी है तो मिनिमाइज, सबसे पहले मिनिमाइज किस पर आई, ए पॉइंट पर, यानी कि तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम अबव टेबल, कि ऊपर दी हुई सारणी से ये स्पष्ट होता है कि गिवन इनइक्वालिटीज द मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज एट द पॉइंट 60.0 इज 300। क्या लिखा मैंने, इट इज क्लियर दैट, आप लिख लें मेरे साथ साथ, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टेबल द मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज एट द पॉइंट ए सिक्स इज एट द पॉइंट 60.0 इज 300। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इस ऊपर दी हुई सारणी से यह स्पष्ट होता है कि दी हुई गई असमिका का निम्नतम हल पॉइंट ए यानी कि पॉइंट ए पर 300 है। ठीक है, और अब बात आती मैक्सिमम की, तो इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टेबल द मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज एट द पॉइंट बी एंड सी, इसमें गिवन सॉल्यूशन किस में आ रहा है, बी और सी पर आ रहा है, यानी कि 600 आ रहा है, किस पर आ रहा है 600, कितना आ रहा है मैक्सिमम सॉल्यूशन 600, किस पॉइंट पर, दो पॉइंटों पर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा, बस आपको ये पता लगाना है कि शेडेड रीजन सब में कॉमन कहाँ आ रहा है और आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो इस वीडियो में ये पार्ट वन के अंदर ये 15 पॉइंट एक्सरसाइज 15.1 का हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम पार्ट सेकंड के अंदर 15.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।